वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 10 तरह के फेस पैक और ये फेस पैक मैं बनाने वाली हूँ केसर से। हम सभी जानते हैं कि केसर कितनी इफेक्टिव रेमेडी है, तो चलिए देखते हैं कि इससे मैं कैसे बनाने वाली हूँ फेस पैक और हर तरह की स्किन प्रॉब्लम के लिए अलग अलग तरह के फेस पैक बनाऊंगी। तो होप कि ये वीडियो आपको यूजफुल रहेगी, यूजफुल लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं कि मैं कौन कौन से फेस पैक बनाने वाली हूँ। पैक नंबर 1, ये पैक कुदरती तरीके से आपके चेहरे को गोरा बनाएगा। इसको बनाने के लिए 1 चम्मच कच्चे दूध में केसर 1 घंटे के लिए भिगो दिया था और इस तरीके से ये केसर भीग चुका है। इसमें ले रही हूँ मैं 1/2 चम्मच बेसन, इसकी जगह पर आप चंदन पाउडर भी मिला सकते हैं। इसी तरह से मिक्स करना है। तो इस तरीके से ये पैक बन के तैयार हो चुका है। चलिए देखते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है। आप अपने चेहरे, बाजू, गर्दन, जहाँ पर भी अप्लाई करना चाहें इस पैक को इस तरीके से लगाएं और इसके जो थ्रेड हैं इनको भी साथ में ही मसाज करें। हल्के हल्के से इसे 5 मिनट तक मसाज करते रहें। उसके बाद इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दें। जब ये हल्का सूख जाए तो इसे हल्के हल्के हाथों से ऊपर की तरफ को रब करें। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। इसका मैजिकल रिजल्ट आप अपने आप महसूस करेंगे। पैक नंबर 2, चेहरे की झुर्रियों को खत्म करने के लिए कच्चे दूध में चिरौंजी को 2 से 3 घंटे भिगो लेना है। उसके बाद दूध में भीगा हुआ केसर ले लेना है या फिर आप चिरौंजी के साथ में केसर भिगो लें। इन दोनों को मिला के पेस्ट बना लेना है। ये वही वाली चिरौंजी है जो हम अचार में यूज़ करते हैं। जितना बारीक हो सके उतना बारीक पेस्ट बना लें। तो इस तरीके से ये एक पेस्ट बनके तैयार हो चुका है। चलिए अब देखते हैं कि इसको इस्तेमाल कैसे करना है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आप अपने चेहरे, बाजू, हाथों, गर्दन पर इस तरीके से अप्लाई करें, वीडियो में बताए गए तरीके से। दस मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें। 10 मिनट के बाद ये हल्का सूख जाएगा। उसके बाद इसे सर्कुलर मोशन में रब करना है। हल्के हल्के हाथों से रब करें। ये आपकी स्किन में पड़ी हुई झुर्रियाँ उन्हें बिल्कुल नेचुरल तरीके से ख़त्म करेगा। उसके बाद इसे ठंडे पानी से धो लें तो मैजिकल रिज़ल्ट आप अपने आप महसूस करेंगे। पैक नंबर थ्री जो है हमारे कील मुहासों को दूर करने के लिए है। तो यहाँ पर मैंने 15 से 20 तुलसी के पत्ते लिए हैं, उन्हें पानी में धो लिया है। अब इसको पीसना है और साथ में केसर ले लिया है दूध में भीगा हुआ। ये केसर के धागे बिल्कुल सॉफ्ट होने चाहिए। अब इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी कि पीस लेना है और बिल्कुल बारीक पेस्ट बना लेना है। और इस तरीके से ये पैक बनके तैयार हो चुका है। और आप इसे जैसे मैंने पीछे वाली वीडियो में बताया था कि कैसे अप्लाई करना है, सेम उसी तरीके से अप्लाई करें। आपके चेहरे पर किसी भी तरह के कील, मुहासे, दाग, धब्बे हो तो ये जो है वो बिल्कुल नेचुरल तरीके से उन्हें साफ़ करता है। तो आप इस पैक का ज़रूर इस्तेमाल करें। चलिए देखते हैं पैक नंबर 4, बेजान त्वचा में जान लाने के लिए दूध में भीगा हुआ केसर 1 चम्मच, 1/4 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल, चुटकी भर चीनी, ब्रेड का एक सूखा हुआ टुकड़ा, यानी कि आप ब्रेड को 1 घंटे के लिए बाहर खुली हवा में रहने दें, वो अपने आप सूख जाता है, तो वही सूखा हुआ ये टुकड़ा लिया है। अब इसको आप अपने चेहरे, गर्दन, बाजू, पैरों,
हाथों पर इस तरीके से अप्लाई करें। ये दो तरीके से काम करेगा, एक तो स्क्रबर का काम करेगा, दूसरा है पैक का काम करेगा। तो जैसे कि अभी ड्राई है ये ब्रेड का टुकड़ा, तो ये स्क्रबर का काम कर रहा है, और जैसे जैसे ये धीरे धीरे सॉफ्ट होता जाएगा, अभी ये सॉफ्ट हो चुका है तो अब ये पैक बन गया है। अब इसको कम से कम आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसी तरीके से 10 मिनट के बाद आप इसे हल्के हल्के हाथों से रब करना शुरू करें, सर्कुलर मोशन में या ऊपर की तरफ को रब करना है हल्के हल्के हाथों से। इसका मैजिकल रिजल्ट आप अपने आप महसूस करेंगे। ये बहुत ही इफ़ेक्टिव रेमेडी है। हल्के हल्के से रब करते ही इसके डेड सेल्स तो निकलेंगे ही, साथ में आपकी बेजान त्वचा जो है उसमें जान आ जाएगी। अब आप इसे ठंडे पानी से धो लें। ठंडे पानी से धोने के बाद इसका मैजिकल रिजल्ट आप अपने आप महसूस करेंगे। तो आप इस पैक को ज़रूर ट्राई करिएगा। पैक नंबर 5 जगमगाती त्वचा के लिए, दूध में भीगा हुआ केसर 1 चम्मच, 1/4 टीस्पून शहद, दोनों को आपस में मिक्स करना है। जितनी ही ये सिंपल रेमेडी है उतनी ही इफ़ेक्टिव है। इसे यूज़ कैसे करना है, तो यहाँ पर कॉटन का बॉल ले लेना है और उसे आप अपने चेहरे, गर्दन, बाजू, हाथों, पैरों पर इस तरीके से अप्लाई करें। 10 मिनट के लिए इसे खुली हवा में छोड़ दें। 10 मिनट के बाद आप इसको ठंडे पानी से धो लें। मैजिकल रिजल्ट आप अपने आप महसूस करेंगे। पैक नंबर 6 स्किन को टोन करने के लिए, गुलाब जल ले लिया है 1 चम्मच। इसमें मैंने ये दूध में भीगे हुए केसर लिया है, लेकिन आप इसे डायरेक्टली गुलाब जल में भी भिगो सकते हैं 1 घंटे के लिए। उसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें और बिल्कुल पीछे बताए गए तरीके से रुई से आप इसे अपने चेहरे, गर्दन, बाजू पर अप्लाई करें और 10 मिनट के लिए छोड़ के फिर धो लें। पैक नंबर 7 त्वचा को एक सार बनाने के लिए, उबले हुए पानी में 3 से 4 धागे केसर के मिला लिए हैं। लगभग आधा घंटा इनको पानी में रहने दिया था, उसके बाद इसमें सूखा पाउडर मिलाया है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है। इस तरीके से ये बेहद इफ़ेक्टिव रेमेडी बनकर तैयार हो चुकी है। धूप धूल पॉल्यूशन में घूमने की वजह से आपकी स्किन जो होती है कहीं से सन टैनिंग हो जाती है, कहीं से डेड सेल्स आ जाते हैं, तो उसे ये एक सार बनाता है। पैक नंबर 8 ड्राई स्किन के लिए, दही में भीगा हुआ केसर लिया है, 1 घंटे के लिए दही में भिगो लिया था इसे, 1/2 नींबू का रस। नींबू के रस के साथ साथ इसमें जो नींबू के फाइबर हैं वो भी लेने हैं। नींबू गहराई से त्वचा को साफ करता है और केसर त्वचा को चमकदार बनाता है और दही उसे मॉइस्चराइज करता है। इस तरीके से इसे आपस में मिक्स कर लेना है और ये बेहद इफ़ेक्टिव पैक बनके तैयार हो चुका है। जैसे मैंने पीछे बताए हैं कि कैसे अप्लाई करना है, सेम उसी तरीके से आप इसे अप्लाई करें। 10 मिनट के लिए अप्लाई करने के बाद आप अपने चेहरे, बाजू, गर्दन पर उसके बाद ठंडे पानी से धो लें और इसका रिज़ल्ट आप अपने आप देखेंगे। फ्रेंड्स, ये सभी पैक को हमें हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है और इसके लगातार इस्तेमाल से आप इनका जो रिज़ल्ट है वो अपने आप महसूस करेंगे। इसके अलावा केसर घाव या चोट लग गई हो तो उसमें भी हम बेहद इफ़ेक्टिव रेमेडीज़ बना सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती तो इस वजह से अभी शेयर नहीं करा है, वो मैं फिर किसी और वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। इसके अलावा केसर आपके बालों के लिए भी बेहद उपयोगी होता है। इसका जो पैक है वो आपके बालों में किसी भी तरह की समस्या हो उसे दूर करता है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरा हुआ होता है। इसके अलावा केसर हम कई तरह की रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे ज़्यादातर हम इसे दूध की बनी हुई रेसिपीज़ में यूज़ करते हैं, तर मीठे व्यंजनों में यूज़ करते हैं,
या फिर आप किसी भी रेसिपीज़ का नेचुरल तरीके से कलर चेंज करना चाहें तो केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और कोई रेमेडी अगर आप भी जानती हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।